नमाज में काबिल सतर हिस्सा औरत पर वाजिब है कि नमाज में अपने पूरे जिस्म को ढांपे। वो नमाज में अपने बालों, अपने तमाम जिस्म, अपने बाजू और अपने पांव ढांपे, जबकि अपने चेहरे को नमाज में खुला रखे। हाँ, अगर कोई अजनबी मौजूद है जो उसका महरम नहीं तो चेहरा भी ढांपेगी। यानी जैसे बाजार वगैरह में या किसी ऐसी जगह जहां मर्द हजरात हैं, जैसे हरम में बाजू का ऐसा होता है कि साथ ही आदमी लोग खड़े हैं और अगर आप चेहरा ढांपने वालों में से तो आपको चेहरा ढांपना होगा। पांव छुपाना, अभी जो पांव छुपाने वाला मसला है ना, ये भी बहुत लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन और वो है। इब्ने उमर रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स तकब्बुर से अपना कपड़ा घसीटेगा अल्लाह कयामत के दिन उसकी तरफ नहीं देखेगा। उम्मे सलमा ने कहा, औरतें अपने दामनों को क्या करें, उनके तो कपड़े लटक रहे होते हैं। यानी घसीटेगा से मुराद क्या है, कपड़ा जो जमीन से भी नीचे जा रहा हो। आपने फरमाया, एक बालिश लटका ले, यानी तो उसको थोड़ा कम कर लें। उन्होंने कहा, तब तो उनके कदम खुल जाएंगे, पांव ही नंगे हो जाएंगे। आपने फरमाया, तो एक बाजू लटका लें, यानी फिर थोड़ा सा और बढ़ा लें ताकि पांव ढक जाएं, और इससे ज्यादा ना लटकाएं। यानी इतना नहीं कि वो पीछे ट्रेल आ रही है और पूरी नुमाइश की जा रही है, वो भी एक दिखावा और इसराफ ही है। आमतौर पर जो एक रिवाज चल पड़ा ना दुल्हन को इतना लंबा पीछे से कपड़ा एक्स्ट्रा लटकाने का, तो ये भी नापसंदीदा। अब आप देखिए कि ये जो है ना नमाज में पांव ढांपने वाली बात, इसमें टखनों को ढांपना लाजिम है। टखने नंगे हों कि टखनों से मतलब एंकल है, कुछ और ना समझे, घुटने ना समझे क्योंकि बाजू का था, हम दो में कंफ्यूजन करते। एंकल्स को कवर्ड होना हर सूरत में जरूरी है। मुश्किल ये है कि हमारी तो शलवारें भी ऊंची चढ़ जाती थी नमाज पढ़ते हुए, और अब तो जो पजामे आ गए हैं उसकी वजह से टखने ढांपना नामुमकिन हो गया, वो चढ़ जाते हैं। थोड़ी सी भी बल्कि हो औरत, और फिर आप देखिए कि औरतों के साथ प्रेगनेंसी भी है, बच्चे को दूध पिलाना भी है, मोटापा भी है। मर्दों की निस्बत औरतें ज्यादा इस तरफ मायल होती हैं, और उसमें नमाज तो कहीं भी आ जाती, कभी इंसान अपने घर है, कभी क्लिनिक पे है, कभी कहीं बाहर है। तो ऐसा कपड़ा पहनने से परहेज कीजिए कि जिसमें नमाज ना होती हो, ठीक है ना, जो सतर ना ढांपता हो। तो नमाज में आपके टखने लाजिम ढके होने चाहिए। हाँ, अगर जैसे आपने लंबा पहना, खड़े हैं जिलबाब पहन के, जिलबाब पांव तक है, पांव भी ढके हुए हैं, लेकिन जब आप रुकू में जाते हैं थोड़ा बहुत अगर हील पीछे से हल्की सी नजर आ गई तो खैर, लेकिन अगर टखने नंगे हो गए तो नमाज बातिल हो गई। हाँ, अगर आगे पंजों से थोड़ा बहुत कपड़ा आगे पीछे हो जाता है तो खैर है, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप जुराबे भी पहनते हैं तो भी तो शेप नजर आ रही है ना, तो सातिर तो नहीं है। और एक और रिवायत में आता है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जमाने में हर शख्स के पास दो दो कपड़े नहीं थे, खवातीन के पास भी बाज़ोकात एक ही लंबी शर्ट जैसे जुब्बा सा होता है ना, वही होती थी, उसी में नमाज पढ़ती थी। तो अगर उसमें पढ़ते हुए पांव का अगला या पिछला हिस्सा थोड़ा सा, जैसे सजदे में गए तो पीछे से तलियां जो हैं थोड़ी सी दिखने लगती हैं, पंजे तलियां, कोई हर्ज नहीं, लेकिन टखने नंगे नहीं होने चाहिए। इसमें आप देखिए, मर्दों के लिए टखने ढके नहीं होने चाहिए, औरतों के लिए टखने नंगे नहीं होने चाहिए। बस ये उसूल याद रखे। मर्द और औरत की नमाज का जो फर्क है ना, वो सजदों का फर्क बताते रहते हैं, सजदा ऐसा करें ऐसा ना करें, औरत यूं करे मर्द ऐसे करे, लेकिन असल फर्क जो है वो लिबास में है, ठीक है। बारीक लिबास में नमाज पढ़ने का हुक्म। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी जमाने में लोग कुजावों की तरह की जीनों पर सवार होंगे। यानी कुजावे क्या है, जो सीट रखी जाती है ऊपर, किस पे, ऊंट पे। तो अब ये जो कार्स वगैरह हैं, ये भी सीट्स ही है ना, वो मसाजिद के दरवाजों पे उतरेंगे, यानी पैदल जाने का रवाज खत्म हो जाएगा मस्जिद में। उनकी औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, ये आइंदा आने वाले जमानों की पेशनगोई की गई है। उनके सर दुबले पतले बुख्ती ऊंट की कोहानों की तरह होंगे, उनके सर दुबले पतले ऊंट जिनकी कुहान ऊंची उठी हुई है, वो खूब नुमाया नजर आ रही है, उसकी तरह होंगे। ऐसी औरतें मलून है, उन पे लानत करना। अगर तुम्हारे बाद कोई और उम्मत होती तो तुम्हारी औरतें उसकी खिदमत करती, यानी उनकी गुलाम बनती, जैसा कि तुमसे पहले वाली उम्मतों की औरतों ने तुम्हारी खिदमत की।
तो इसलिए याद रखिए कि सर की कुहान उठी हुई हो, जैसे जूड़ा ऊपर बना हो, तो भी नमाज नहीं होती। ठीक है, इसी हदीस से ये बात साबित होती। और इसी तरह अगर बारीक कपड़ा है तो भी। इब्ने कुदामा कहते हैं कि ऐसे कपड़े के साथ ढांपना वाजिब है जो कि जिस्म की रंगत छुपाने वाला हो, यानी जब आप पहने तो उसमें आपकी स्किन का कलर नजर ना आए। अगर स्किन नजर आ रही है तो उसको डबल कर लें। ठीक है, सातर लिबास कौन सा? जिससे सतर छुपे, यानी स्किन का कलर नजर ना आए कपड़े के अंदर से, सी थ्रू ना हो जिसको कहते हैं। ठीक है, अगर कपड़ा बारीक हो और उसके पीछे से जिस्म की रंगत वाजे होती हो और उससे यह मालूम किया जा सकता हो कि जिस्म की रंगत सफेद है या काली, तो ऐसे कपड़े में नमाज जायज नहीं, क्योंकि इससे सतर पोशी नहीं होती। इब्ने उसामा बिन जैद से मरवी है कि उनके वालिद उसामा ने बताया कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक मोटी किबती चादर पहनाई थिक, जो उस हदीये में से थी जो दिहया कल्बी ने आपकी खिदमत में पेश किया था। मैंने वो अपनी बीवी को पहना दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, क्या बात है, तुमने वो चादर नहीं पहनी? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, मैंने वो अपनी बीवी को पहना दी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे कहना कि उसके नीचे शमीज लगाए, तहतहा गिलालतन, या आप देख रहे हैं अरबी के लफ्ज, फलतजअल तहतहा गिलालतन, क्योंकि मुझे अंदेशा है कि उससे उसके आज़ाए जिस्म नुमाया होंगे। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि सी थ्रू लिबास में नमाज नहीं होती जिससे स्किन का कलर झलक रहा हो। हमारे यहाँ जैसे गर्मियों में लॉन के कपड़े पहनते हैं और लॉनी की शलवारें पहनते हैं, और अमूमन रिवाज क्या है कि कमीज तो प्रिंटेड होती है और शलवार प्लेन होती है। लाइट कलर की हो, प्लेन हो, तो फिर स्किन दिखने लगती है, तो वो नहीं होनी चाहिए। हालांकि मोटी किबती चादर थी, ये जो चादर पहनने को दी थी वो क्या थी, मोटी चादर थी, लेकिन फिर भी आपने कहा कि उसके नीचे ऐसी चीज लगाए कि जिससे फिर वो नमाज पढ़ते हुए जैसे नंगी ना हो। उनके इलाके को कहा जाता है, किबती जो है इजिप्शियंस हैं, ठीक है, वो वहां की कॉटन मशहूर है। तो ऐसा कॉटन का कपड़ा कि जिसमें से स्किन नजर आ रही है वो नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लट्ठा जैसा होता है ना, या ऐसा कैमरिक होती है या इस तरह के, तो अगर व्हाइट होता है ना तो उसमें से फिर झलकता है। अगर उसी मटेरियल का नीला पीला है तो नजर नहीं आता कुछ भी, अगर डार्क कलर है तो। इसी तरह औरत के लिए तंग लिबास जो उसकी सतर की चीजों को अलग अलग करके वाजे करे, यानी इतना टाइट हो कि हर उस अलग नजर आए, पहनना जायज नहीं। यानी नमाज में फिर टाइट पैंट्स और स्किन टाइट पजामास वो पहन के, और बाजू का तो आपने देखा होगा मस्जिद में कभी कभी ऐसा सीन नजर आता है कि ऊपर गाउन या कोई चीज नहीं होती या दुपट्टा लंबा नहीं होता, तो जब रुकू करते हैं तो पीठ पूरी नजर आ रही होती है, जब सजदे में जाते हैं तो और भी ज्यादा हर चीज अलग अलग नजर आने लगती है। शेख सालेह अल फौजान ने कहा, वो तंग लिबास जो जिस्म के आज़ा को वाजे करता हो और औरत के जिस्म को वाजे करता हो, उसके कूल्हे को और उसके जिस्म के आज़ा को अलग अलग करके वाजे करता हो, इस लिबास का पहनना जायज नहीं। तंग लिबास ना मर्दों के लिए पहनना जायज है ना औरतों के लिए, नहीं मर्द भी इतना टाइट ना पहने कि बिल्कुल ही वो हर चीज अलग अलग नजर आए, लेकिन औरतों का मामला ज्यादा संगीन है क्योंकि इनके बारे में फितना भी ज्यादा संगीन। यानी मर्द अगर टाइट पहन भी ले थोड़ा तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन औरत जब टाइट पहनती तो उसका हुसन नुमाया हो जाता, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जहां तक खुद नमाज के मसले का ताल्लुक है, जब इंसान नमाज पढ़ रहा हो तो इस लिबास से उसके पर्दे के मकामात छुपे हुए हों तो अपनी जात में उसकी नमाज सही है, लेकिन जो तंग लिबास में नमाज पढ़ेगा वो गुनाहगार होगा, क्योंकि लिबास के तंग होने की वजह से वो नमाज की शरायत में से किसी शर्त में खलल डाल रहा है। ये तो एक पहलू है। दूसरे पहलू के लिहाज से ऐसा करना फितने की तरफ बढ़ाने वाला होगा और लोगों की नजरें उसकी तरफ उठेंगी, खुसूसन औरत की तरफ। तो औरत के लिए जरूरी है कि वो अपने जिस्म को ऐसे कपड़े के साथ छुपाए जो लंबा मुकम्मल और वसी हो और उसे ढांपता हो और उसके जिस्म के आज़ा में से किसी उज़्व को जाहिर न करता हो, न निगाहों को अपनी तरफ मुतवज्जे करता हो, न बारीक हो, न ही ऐसा कपड़ा हो जिसके आर पार कुछ नजर आता हो। वो कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो औरत को मुकम्मल तौर पर ढांपने वाला हो। ठीक है, तो अगर ये कपड़ा ढांप नहीं रहा जिस्म को तो नमाज नहीं होगी, ये शरायत में से है।